महाराष्ट्र और गुजरात में कल आने वाले निसर्ग तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इसी के साथ दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासकों से बात की। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग चक्रवात बुधवार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के अलीबाग पहुंचेगा। मुंबई और ग्रेटर मुंबई पुलिस ने कल दोपहर 12 बजे तक के लिए सार्वजनिक स्थानों और समुद्र के किनारे लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले अरब सागर में बना हवा का भारी दबाव आज दोपहर में तूफानी चक्रवात में तब्दील हो गया। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ तटीय इलाकों में चक्रवात निसर्ग को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। आज देर रात निसर्ग भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। कल निसर्ग उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से गुजरेगा। मौसम विभाग का कहना है कि कल पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, धुले, नंदुरबार और नासिक में भारी वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दो चार्जशीट दाखिल की है। एक चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है। ताहिर हुसैन, उसके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि दंगे के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर था। ताहिर हुसैन पर आरोप ये भी है कि उसी ने दंगे करवाए। क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान पता चला कि दंगे के लिए आरोपी ताहिर हुसैन ने 1,30,00,000 रुपए खर्च किए। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि दंगे से पहले आरोपी ताहिर हुसैन ने NTCAA और NRC प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। इसमें JNU के पूर्व छात्र और देशद्रोह के मामले में आरोपी उमर खालिद भी शामिल था। उसी वक्त तय किया गया था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दिल्ली आएंगे तब दिल्ली में दंगा कराया जाएगा। दूसरी चार्जशीट में दिल्ली के जाफराबाद हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को आरोपी बनाया है। मुख्य आरोपी नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को बनाया गया था। ये दोनों पिंजरा तोड़ ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि दंगा फैलाने के मामले में गहरी साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगों की जांच के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप और चैट से दंगा फैलाने के सबूत मिले हैं। पुलिस को ये सबूत एक आरोपी के फोन से मिले हैं। पुलिस के मुताबिक लोगों ने बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि दंगों के दौरान घर की महिलाओं को क्या करना चाहिए। मैसेज में लिखा गया कि घर में गर्म खौलता हुआ पानी और तेल का इंतजाम करें। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर तेल, शैंपू और सर्फ डालें। लाल मिर्च पानी गर्म या पाउडर का इस्तेमाल करें। दरवाजों को मजबूत करें। ग्रिल, आयरन वाले गेट लगवाएं। बालकनी पर ईंट और पत्थर रखें। इसके अलावा घर में तेजाब की बोतल और पेट्रोल रखने की हिदायत भी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई। महिलाओं से यह भी कहा गया कि वो लोहे के दरवाजों केंद्र सरकार को फिर घेरा है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि सरकार को सीमा पर बनी तनाव की स्थिति पर आधिकारिक बयान जारी कर देशवासियों को स्पष्ट करना चाहिए कि सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं या नियंत्रण में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि कोरोना काल के बाद देश एक बार फिर से उच्च विकास दर को हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ा है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। भारत में तेज विकास के लिए प्रधानमंत्री ने 5 मंत्र दिए। पीएम ने कहा, इंटेंट, इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन करना होगा। ये भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम और ज्यादा मजबूत बनकर दुनिया को इम्प्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ चलेगा। CII को कोरोना के बाद नई भूमिका में आना होगा। गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा, यस यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। कोरोना की रफ्तार देश में लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,98,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 5,598 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 204 लोग कोरोना से मारे गए हैं। अब तक 95,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की कोशिश हो रही है। देश में 681 लैब टेस्टिंग कर रही है। इस बीच भारत में संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर बढ़कर 48.07% हो गई है। देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708
पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,834 हो गई है। संक्रमण की वजह से 523 लोगों की जान जा चुकी है। राहत की बात यह है कि 8,746 लोग ठीक होकर घर जा। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।